झूठ कह रहे हैं आप सीरियसली? सलमान खान झूठे हैं ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं ये एक्टर चंद्रचूड़ सिंह। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं चलिए पता करते हैं। पिछले दिनों शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और करण जौहर ने कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया। एक इंटरव्यू में करण जौहर ने बताया कि अमन का रोल सलमान खान से पहले कई सारे एक्टर्स को ऑफर किया था। दरअसल करण जौहर का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ये उनके चैट शो कॉफी विद करण का वीडियो है जिसमें करण सलमान खान से कुछ कुछ होता है फिल्म में उनके अहम रोल अमन के बारे में बात कर रहे थे। करण इस वीडियो में कहते हैं कि मुझे याद है पहली बार जब मैं आपके घर आया था आपको पहली बार स्टोरी नरेट की थी, सैफ अली खान और चंद्रचूड़ सिंह ने इस रोल को ना कह दिया था। आपने उस वक्त कहा था कि ये रोल कोई भी नहीं करेगा, मैं कल आऊं और आपसे फिर मिलूं। इसके रिप्लाई में सलमान कहते हैं कि अपनी फिल्म के लिए शाहरुख खान को लेना आपके लिए मुश्किल नहीं था, मगर अमन की कास्टिंग मुश्किल थी क्योंकि सैफ उस वक्त कुछ और कर रहे थे और चंद्रचूड़ सिंह कुछ भी नहीं कर रहे थे, वे खाली थे। सैफ एट दैट पॉइंट सैफ वाज डूइंग नथिंग, चंद्रचूड़ वाज डूइंग नथिंग, इवन दे रिफ्यूज्ड इट। उसने भी इस रोल को ना कह दिया था तो मैंने ये रोल किया, मैंने तुम्हारे अंदर टैलेंट देखा करण, उसके बाद भी तुमने मेरे साथ दोबारा काम नहीं किया। सलमान खान के इसी बयान पर चंद्रचूड़ सिंह ने रिप्लाई किया और सोशल मीडिया पर लोगों को जवाब देते हुए चंद्रचूड़ ने लिखा, मेरे पास उस वक्त जोश, दाग द फायर, क्या कहना, सिलसिला है प्यार का जैसी फिल्में थी, मैंने अपनी पसंद से कुछ कुछ होता है फिल्म को छोड़ा था, मेरे पास उस वक्त बहुत सारा काम था, मैं जॉबलेस नहीं था। सलमान खान झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अब चंद्रचूड़ ने इस कमेंट को डिलीट कर दिया है लेकिन फिर भी इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो गए हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में, कुछ कुछ होता है मूवी आपने देखी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।